नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि 2024 नीतीश कुमार के लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है, ये सारी बातें आपको बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार की मुश्किल ये है कि उनके ही दल के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कुशवाहा से पहले आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। जमुई सांसद और एलपीजी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान नीतीश कुमार पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करना कितना आसान होगा। नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने के बाद एक बार फिर खुद को पीएम पद का चेहरा नहीं बताया। हालांकि गाहे बगाहे चर्चा उनकी नाम की जरूर होती है, तो लालू यादव की पार्टी नीतीश कुमार के साथ है। आरजेडी नीतीश कुमार को पीएम पद का चेहरा मानती है। संभव है कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का साथ भी दे दे, लेकिन कांग्रेस को लेकर संशय बरकरार है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इसको लेकर साफ साफ संदेश भी दे दिया गया है। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार को आरयूसी उपेंद्र चिराग फैक्टर परेशान कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये फैक्टर काम कर गया तो नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में यह फैक्टर महागठबंधन के लिए नुकसान करने वाला हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में ही है। आरसीपी सिंह फिलहाल किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। चिराग पासवान की खुद की पार्टी है, बीजेपी से अच्छे संबंध है। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी के हनुमान बताते हुए नजर आते हैं। आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा, दोनों ही नीतीश कुमार के खास हुआ करते थे। आरसीपी सिंह अब जेडीयू में तो नहीं रहे, आए दिन नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहते हैं। शराबबंदी समेत कई मुद्दों पर महागठबंधन सरकार पर भी हमलावर है। आरसीपी सिंह के बयान से तो ऐसा ही लगता है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश के खिलाफ काम करेंगे। संभव है कि बीजेपी के साथ चले भी जाए। चर्चा तो यह भी है कि अगर कुशवाहा जेडीयू छोड़ती है या तोड़ते हैं तो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। चिराग पासवान फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। हालांकि बिहार में हुए उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था, तो संभव है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 2024 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए परेशानी खड़ा कर सकती है। तो देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है और क्या कुछ अपडेट रहेगा, वो आपको हम बताएंगे अगली अपडेट में। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।